हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। तो हाजिर हूँ मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ। तो आइए ये कहानी शुरू करते हैं। एक शिक्षक थे। एक दिन उन्होंने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सामने एक बड़े से कांच के मर्तबान में कुछ बड़े बड़े पत्थर डाल दिए और फिर उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि क्या ये मर्तबान भर चुका है। तो विद्यार्थियों ने जवाब दिया कि हाँ, ये मर्तबान तो भर चुका है। उसके बाद उन शिक्षक ने कुछ छोटे पत्थर यानी के कंकर लिए और उस मर्तबान में डाले। अब उन्होंने हल्का हल्का उस मर्तबान को हिलाया तो जो छोटे छोटे कंकर थे वो पत्थरों के बीच की खाली जगहों में जाकर बैठ गए। अब शिक्षक ने दोबारा विद्यार्थियों से पूछा कि क्या ये मर्तबान भर चुका है। तो विद्यार्थियों ने कहा कि हाँ, अब ये भर चुका है। उसके बाद उन शिक्षक ने कुछ मिट्टी ली और उस मर्तबान में डाल दी। अब वो मिट्टी भी धीरे धीरे जाकर खाली जगहों में समा गई। तो शिक्षक ने दोबारा विद्यार्थियों से पूछा कि अब बताओ कि क्या ये मर्तबान भर चुका है। तो विद्यार्थियों ने कहा कि हाँ हाँ, अब तो ये बिल्कुल भर चुका है। तो अब शिक्षक ने कहा कि ये मर्तबान हमारी ज़िंदगी को संबोधित करता है। मर्तबान में जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो दर्शाते हैं हमारे जीवन की ज़रूरी चीज़ों को, जैसे कि हमारे माता पिता, हमारा परिवार, हमारी सेहत। अगर हमारी ज़िंदगी में और जितनी भी चीज़ें हैं वो हमसे छिन जाएं और सिर्फ ये ही चीज़ें हमारे पास रह जाएं, तो भी हमारी ज़िंदगी भरपूर ही लगेगी। जैसे कि मर्तबान खाली बड़े पत्थरों से भी भरा हुआ ही प्रतीत हो रहा था। कंकर हैं बाकी ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि हमारी नौकरी, हमारा व्यापार, और जो मिट्टी है वो है छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि विदेश यात्रा, महंगे महंगे गहने, बड़ी गाड़ी। अगर हम मर्तबान में सबसे पहले मिट्टी भर दें तो क्या उसमें कंकर और पत्थरों के लिए जगह बचेगी? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा समय और अहमियत इन चीज़ों को दें जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जैसे कि बड़ी गाड़ी या गहने या फिर विदेश यात्रा या फिर वो छोटी छोटी मुश्किलें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे सामने आती हैं, तो बाकी ज़रूरी चीज़ों के लिए हमारे पास समय और ध्यान नहीं रहेगा। कि हमें ज़िंदगी में अपने मर्तबान को सबसे पहले बड़े पत्थरों से भरना चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा अहमियत उन चीज़ों को दें जो वाकई में ही हमें खुशी दे सकते हैं, जैसे कि बच्चों के साथ खेलना, बड़ों के साथ, अपने माता पिता के साथ समय बिताना, और बाद में हमें छोटी चीज़ों यानी कि कंकर और मिट्टी के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम पहले ही अपनी ज़िंदगी में अपने मर्तबान में मिट्टी भर देंगे तो बड़ी चीज़ों के लिए समय नहीं बच पाएगा। सबसे पहले पत्थरों पर ध्यान दें, बाकी सब तो धूल मिट्टी ही है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, गिव इट अ थम्स अप। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टोरीज़ विद पारुल। मिलती हूँ आपसे एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।